हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक पर आप लूप वीडियो कैसे बना सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि लूप वीडियो कितना ट्रेंड में चल रहा है आजकल टिकटॉक पर। तो आज मैं इसी के ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप भी किस तरह से ऐसी वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पर्दे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन पर्दा नहीं है तो आप कोई भी एक सेम कलर का बैकग्राउंड ले लीजिए, आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप लूप वीडियो बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से वीडियो शूट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं दो तरीके बताऊंगा। या तो फ्रेंड्स आप अपनी वॉइस में यहाँ पे लूप वीडियो बना सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप उस डायलॉग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि टिकटॉक पर ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीका बताऊंगा। बस इसके लिए यार आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा यहाँ से काइंडनेस ऐप में। फ्रेंड्स, काइंडनेस ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ से नए शूटिंग कार्ड इशू सेलेक्ट करना है। फिर इसके फ्रेंड्स आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपने जो भी वीडियो नॉर्मल कैमरे से शूट किया है यहाँ से उसको ले लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स आप अपनी वॉइस में यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप उसकी भी वॉइस में यहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हैं जिसकी वॉइस में ये टिकटॉक पर ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। बस गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको सबसे पहले उस पार्ट को यहाँ पे कट करना है जो कि फालतू पार्ट है। तो उसे कट करने के लिए आपको सिंपली इसी लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ से कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको इसे ट्रिम टू राइट पर प्लेट कर देना है। अगर आपको राइट साइड से पार्ट को कट करना है, अगर लेफ्ट से करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पे ये वाला डायलॉग बोलेंगे वो लास्ट में बोलेंगे कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो बनाना है जिसमें आप ये वाला डायलॉग आपको लास्ट में बोलना है। फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से उस पार्ट को कट करना होगा जहाँ से फ्रेंड्स आप ये वाला डायलॉग बोल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। आपको सिंपली इसी लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से कैंसिल निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से स्प्लिट कर देना है। अब आपको फ्रेंड्स इस लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से 3 डॉट मिलेगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस लेयर को आगे की तरफ लेकर आना है। जब आप फ्रेंड्स इसे आगे की तरफ लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसी लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसका फुल स्क्रीन कर देना है। आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्रोमा की में चले जाना है और इसे जाकर यहाँ से इनेबल कर देना है। फिर इसके फ्रेंड्स आपको यहाँ से की कलर में आप अपना बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका बैकग्राउंड कलर जैसे ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। जब आप फ्रेंड्स इस तरह से ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको डिटेल कलर में जाना है। और इसे फ्रेंड्स अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इसे नीचे की तरफ लेकर आइएगा। इसे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। जब आप फ्रेंड्स एडजस्ट कर लेंगे तो जैसे ही आप इस वीडियो को प्ले करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से वीडियो बनी है। यहाँ पे आपको ये वाला डायलॉग बोले जैसे ही तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। अब आपको फ्रेंड्स इस लेयर का हमारा कोई काम नहीं है तो इस लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपकी वॉइस में यहाँ पे वीडियो बन जाती है। अगर आप उसकी वॉइस में यहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हैं जिस पर ये वीडियो ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आप अपनी वॉइस को यहाँ से बंद कर दीजिए। आप बंद कैसे करेंगे, आपको सिंपली इसी लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से साउंड वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको बंद कर देना है। तो आपको दोनों वाले लेयर पे यह काम कर लेना है। जब आप फ्रेंड्स ये कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेयर वाले पे जाना है। यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है टिकटॉक से। सबसे पहले फ्रेंड्स जब आप उस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। यानी कि फ्रेंड्स कि इसमें से ऑडियो हमने निकाल लिया है कुछ इस तरीके से। जब आप फ्रेंड्स इसे निकाल लेंगे उसके फ्रेंड्स आपको इस लेयर को यहाँ से हटा देना है, डिलीट कर देना है। यानी अब आपको फ्रेंड्स इसी डायलॉग पे अपना वाला जो वीडियो है वो फिट करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको कट कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप जैसे शुरुआत में ये डायलॉग बोल लें और आपको आगे जाकर आपकी वॉइस मैच ना हो, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप सबसे पहले स्प्लिट कर दीजिएगा। यहाँ से आपको ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर जाकर आपको इसे स्प्लिट कर देना है। और इसे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा आगे कर देना है जहाँ से आप डायलॉग बोलना चाहते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप स्प्लिट वगैरह करके यहाँ से आप अपने ऑडियो को मैच कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से करके फ्रेंड्स आप यहाँ से बिल्कुल ऑडियो को यहाँ पर मैच कर लेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी ऑडियो बन जाती है। अब आपको फ्रेंड्स इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी वीडियो बन जाती है। रुको गाइस, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लगा कर दिखाऊंगा कि आपको कैसे बैकग्राउंड लगाने हैं। आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ से 9:16 कलर से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे मीडिया में जाकर आपको यहाँ सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो आप वीडियो का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लिया हूँ। फ्रेंड्स ये आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगी। आप यहाँ से ब्लर बैकग्राउंड जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर गूगल पर आराम से मिल जाएगी। अगर आपको ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको फ्रेंड्स इस लेयर को उतना बड़ा कर देना है जितना आपकी वीडियो है। फिर इसके फ्रेंड्स आपको लेयर वाले पे जाना है। यहाँ से मीडिया में जाकर अभी आपने जो भी वीडियो एक्सपोर्ट किया है यहाँ से आपको उस वीडियो को ले लेना है। फ्रेंड्स इस लेयर को लेने के बाद आपको यहाँ से इसका फुल स्क्रीन कर देना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है।
कर देने के बाद आपको यहाँ से क्रोमा की में जाकर इसे यहाँ से फ्रेंड से इनेबल कर देना है। जब आप फ्रेंड्स इसे इनेबल करेंगे, जब आप फ्रेंड्स इसे इनेबल करेंगे तो अभी अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है। आपको सिंपली की कलर में जाना है, आपको यहाँ से अपना बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ग्रीन स्क्रीन पर यूज़ किया है तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके फ्रेंड्स आपको डिटेल कलर में जाना है और इसे फ्रेंड्स जब आप नीचे करेंगे तो अच्छी तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स हमारा बैकग्राउंड लग चुका है। इसके फ्रेंड्स आपको लास्ट में चले जाना है। इसके फ्रेंड्स आपको सिंपली इस लेयर पे क्लिक करके आपको ऐसे राइट साइड से कट कर देना है, ताकि फ्रेंड्स ये जो बैकग्राउंड है वो वीडियो के बराबर हो जाए। अब आपको फ्रेंड्स इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करके आपको ऐसे एक्सपोर्ट कर लेना है और इसे फ्रेंड जाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दीजिए।